वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, एफ एम पिजन इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आए हैं एहसन भाई के यहाँ पर। तो आज उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और उनके कबूतरों से भी दिखाएंगे आपको। हाँ एहसन भाई, अपने पास कितने कबूतर हैं? करीब होंगे 35 कबूतर करीब। तो कितने दिनों से कबूतर भाई कर रहे हैं आप? हो बहुत टाइम हो गया वैसे तो, मेरे हम बताइए। दोबारा पाले थे मैंने दोबारा पाले कबूतर, तो कम से कम 10 साल करीब हो पालते पालते। कबूतर उड़ाते हैं आप? क्या होता है कबूतरों का? ये बच्चे वाले कबूतर हैं, पट्ठे निकलते हैं ब्रीडिंग के, मतलब ब्रीडिंग के मतलब हाँ कबूतर हैं सारे, बच्चे हाँ निकलवाते हैं आप? हाँ उड़ाते नहीं हैं इन कबूतरों को? नहीं, इनको उड़ाते नहीं है। कितने कबूतर हैं सारे? नीले वीले कौन सी नस्लें हैं ये? ये वही है अपने गोला कबूतर है, नस्लें एक आध नस्ल पटियाले हैं इसमें थोड़े, पटियाले और एक आध बसरा एक दो, और देसी कबूतर हैं सब। चांदने मक्सी कबूतर ये सब हैं कबूतर अपने पास? बबरे, चांदने मक्सी और लालवंद, लालबंद भी हैं और बबरे हैं। काफ़ी शानदार कबूतर हैं और काफ़ी बहुत सारे कबूतरों का कलेक्शन इकट्ठा कर रखा है दोस्तों। अभी भाई से हम पूछते हैं कि कबूतर बेच क्यों रहे हैं। दरअसल कबूतर तो काफ़ी सारे इकट्ठे कर रखे हैं भाई ने अपने। कबूतर बेच क्यों रहे हैं आप बता सकते हैं? शौक खत्म कर रहा हूँ। कबूतर भाई का शौक हाँ खत्म कर रहे हैं हाँ क्यों? आप करेंगे नहीं? नहीं, अगर करा तो उड़ाने वाले पालेंगे बस। अच्छा अच्छा आप करोगे तो उड़ाने वाले पालोगे? हाँ ये बस, बच्चे निकालने वाला शौक खत्म कर रहे हैं? हाँ बच्चे निकालने वाला शौक खत्म कर रहा क्योंकि उसमें फायदा नहीं है बच्चे निकालने में? फायदा तो है मगर जो टाइम बहुत देना पड़ता है इनको, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा हाँ वक्त नहीं है आपके पास? आप क्या काम करते हैं? यही चूड़ी का काम करता अच्छा हूँ। भाई, चूड़ी बैंगर का काम करते हैं इसलिए भाई के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है दोस्तों। तो भाई अपने कबूतर हटाना चाह रहे हैं। अगर इनका कहना है कि अब मैं कबूतर भाई दोबारा करूंगा तो कबूतर सिर्फ उड़ाने वाले ही पालूंगा। तो दोस्तों कबूतर काफ़ी शानदार कबूतर है, नीला कबूतर है ये, देख सकते हैं कितना प्यारा कबूतर है। और ये देखें मक्सी नीला कबूतर है, ये भी बच्चे निकालता है और ऊपर मक्सी कबूतर बैठा हुआ वहाँ पर। ये देखिए नीले का पट्टा निकला है, ये सब करके पट्टे हैं, चोटीदार पट्टा निकला है नीला। और ये काला वाला भी, ये पट्टा कौन सा कबूतर पट्टा है? काला वाला काले वाले के पट्टे हैं, काले वाले के, ये वाले काले वाले के। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पटियाला? हाँ पटियाले, काला पटियाले, पटियाला हाँ कबूतर है। काले पटियाले कबूतर। और कौन कौन से कबूतर अभी बच्चे निकाल रहे हैं अपने यहाँ पे? लीले लीले का जोड़ निकाल रहा है, लीले का पट्टा निकला, मक्सी दो मक्सी आज, चांदना, और एक ये लीला पट्टा निकला है चोटीदार, अच्छा और अच्छा मक्सी वाले के जोड़ के हैं। हाँ और मक्सी की जोड़ के हैं। और ये सब बबरे बबरे, ये सब ज्यादातर बच्चे कौन से निकालते हैं? कौन से कबूतर तुम्हारे ज्यादातर बच्चे निकालते हैं? बच्चे लीले के जोड़ ज्यादा निकाल रहे हैं अभी। नीले के जोड़ ज्यादा बच्चे हाँ निकाल। और जो काले का जोड़, काले के जोड़ के दोपट्टे होंगे, जिस पटियाले पट्टे निकले हैं हाँ आपके दो यहाँ पर। पट्टे। देखिए भाई के यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया, कितने खूबसूरत कबूतर के पट्टे निकल रहे हैं, काले के, काला पटियाला है और मक्सी चांदने कबूतर। कबूतर तो काफी अच्छे से उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं भाई ने। और इनका सेटअप भी काफी खूबसूरत है, देख सकते हैं कितना बड़ा सेटअप बना रखा है। ये देखें भाई का सेटअप, ये देखें भाई का सेटअप कबूतर का। ये देखें ये लालबंदी कबूतर है, इसमें अंडे बच्चे रखे हैं भाई के। देखे बच्चा रखा, ये एक, ये बच्चा किसका रखा भाई? भाई कौन से कबूतर का बच्चा रखा? पटियाले का है बच्चे, बेकार निकला कैसा मतलब का? इसकी टांग खराब है, मतलब पैदा ऐसे निकला अच्छा टांग अच्छा खराब। टांग खराब हो गई है इसकी, देख सकते हैं। ये देखे नीले कबूतर भाई के अंडों पे भी बैठे हैं कबूतर अभी काफी। ये देखे आप अंडे रखे नीचे मक्सी के, ये बच्चे निकलने वाले होंगे इनके। हाँ बच्चे लेकिन अंदर रहे दोस्तों भाई के पास मुर्गे भी हैं, लड़ाई लड़ाकू मुर्गे हैं। क्या खिलाते हैं भाई? इनों को तो वैसे तो रोटी वगैरह सब खा लेते हैं, मगर जब हाँ इनको लड़ाने के टाइम पे हाँ बादाम वगैरह खिलाए जाते हैं। बादाम वादाम खिलाते हैं। हाँ आप इन्हें बेच रहे हैं क्या? हाँ इन्हें बेच रहे हैं भाई, कितने रुपए बेच रहे हैं? ये बेच देंगे मुर्गा 1500 का बेच देंगे और 1000 रुपये की मुर्गी बेच देंगे। वो भाई ने कितना महंगा शौक इकट्ठा कर रखा है, देख सकते हैं। मतलब मुर्गे का भी शौक भाई ने रखा है, काफी शौकीन है भाई। भाई जानवरों से ज्यादा मोहब्बत है भाई आपको? हाँ बचपन से ही पाले मोहल्ले में जानवर। कोई दोस्त होते हैं कि नहीं भाई? हाँ जान कई दोस्त हैं जो कबूतर उड़ाते हैं। ज्यादातर कबूतरों से ज्यादा लगाव है तुम्हें हाँ भाई कबूतर को? कबूतरों से ज्यादा लगाओ, बचपन से कबूतरों से लगाओ, जानवरों से बहुत ज्यादा इनको शौक भी है। कबूतर काफी अच्छे इकट्ठे कर रहे हैं। देखिए जिसको भी चाहिए हो किचन नंबर दे दिया जाएगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कबूतर सारे बहुत। तो दोस्तों ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए दोस्तों।